भी आपको भगाएगा लगाएगा। तमाम भाई समाज के लिए आदि रात को खड़ा है मेरा प्यार मेरा मंदिर आप ले सकते हो। कोई भी सिंगर या कोई भी भारतीय लोग अपने घर के लिए आए उनके लिए मैं खड़ा हूँ। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज ऑफ इंडिया में। आपका मेजबान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो जिस तरीके से आप दर्शकों आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि कल हाल ही में ही सन ध्यानेश्वर नगर में वहाँ के जितने भी रहवासी हैं स्थानिक है वो लोग परेशान है, पीड़ित है वहाँ के डेवलपर को लेकर और वहाँ के नेताओं की बातों को लेकर। और वो लोग अपना घर का अस्तित्व बचाने के लिए, अपना फ्यूचर बचाने के लिए वो लोग मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। वही सारी तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ पर कल उनको सुनने आया था कि बायोमेट्रिक होने वाला है, अधिकारी आने वाले हैं, ये सब चीज़ों को लेकर वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वहाँ की महिला, बच्चे, बूढ़े सभी लोग उतर चुके थे सड़क पर। वो तमाम चीज़ें हुई, आप सभी ने देखा होगा हमारे चैनल पर। वही तमाम चीजों को लेकर आज यहां पर वो सारी सोसाइटी के लोग और उनके सारे सोसाइटी के टेनेंट्स, ये सारे लोग मिलकर और महमूद देशमुख जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, ये सारे लोगों ने मिलकर आज एक जॉइंट मीटिंग ली है इस विषय पर कि आगे की विचारधारा हमको किस तरह से बनाना है, किस तरह से हमको बिल्डर का फेस करना है, किस तरह से हमको जो नेता है, जो दलाल नेता जो जिस हिसाब से महमूद देशमुख जी ने बोला है उनको हमको कैसे फेस करना है, कैसे हमको हमारी जमीन और घर बचाना है, उस विषय पर मीटिंग ली गई थी। तो चलिए आगे की बातें जानने की कोशिश करेंगे महमूद देशमुख जी से। आइए देशमुख जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कल जिस तरह से आपने एक हड़क्के से और एक बेहतरीन तरीके से आपने परफॉर्म करा, सारे तमाम रहवासियों को लेकर आपने बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर राज खोला, पर्दाफाश किया, बिल्डरों को तोहमतें लगाई, नेताओं को तोहमतें लगाई, तो आज ये ज्वाइंट मीटिंग का क्या मकसद था, क्या बताना चाहेंगे? पहली बात तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे अभी आपने कहा ना कि तोहमत लगाई, तोहमत का मतलब होता है इल्जाम जी, है ना। तो मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने एक आईना दिखाया है, हकीकत पे आपके सामने पेश की है कि ज्ञानेश्वर नगर की जनता रस्ते पे उतरी अपने घर के लिए, अपने घर के लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के मतलब मुस्तकबिल के लिए, है ना। कल उनके बच्चों के सर का छत को अगर उजड़ने वाली बात आ रही है, उसके बावजूद यहाँ का जीता हुआ विधायक, है ना, जो भी जीता हुआ नेता है जिस भी पार्टी, वो यहाँ पे आया नहीं उनकी मदद के लिए। अगर उनके दिल में अगर इनके प्रति अगर वाकई में अगर कोई मतलब प्यार होता, मोहब्बत होती, है ना, और दिल में खोट नहीं होती, वो यहाँ पे आता। तो आज जिस तरह से ये जॉइंट मीटिंग लेकर सारे सोसाइटी के सारे अध्यक्ष और यहाँ पर सारे रहवासी टेनेंट लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो आज ये जॉइंट मीटिंग का मकसद क्या रहा और इसमें किस चीजों को लेकर आगे की विचारधारा बनाई जाएगी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस मीटिंग का मकसद साफ साफ है कि संत ज्ञानेश्वर नगर में गैर कानूनी तरीके से जो सर्वे होने जा रहा है शिव इंफ्रा की तरफ से, जिसका डायरेक्टर पृथ्वी चौहान और दूसरा डायरेक्टर नबील पटेल, डीबी रियल्टी का जो शाहिद बलवा, ये सब ब्लैक लिस्टेड है। शाहिद बलवा के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, भारत नगर को उजाड़ने का काम अगर ट्रांसिस कैम में हमने फेस कर चुके हैं उनको, बराबर है, ट्रांजिस कैम में आपको, आप गवाह हो ट्रांजिस कैम में, और आज भी मतलब अगर वहां पे उजाड़ने का काम अगर कोई कर रहा होगा लोगों को, ये लोग कर रहे हैं, है ना। इनको रोकने के लिए ये गलत तरीके से यहाँ पे जो लोग आए हैं, ये फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं एक नेशन नाउ चैनल पे था, है ना, मैंने वहां पे भी कहा है ये अदानी के दलाल लोग हैं, ये अदानी के लिए काम कर रहे हैं यहाँ। और उनका अगर एग्रीमेंट की कॉपी अगर आप देखोगे उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है इनको कहीं और दूसरी तरफ भी हम दे सकते हैं। भाई अगर एसआरए की स्कीम जो है, एसआरए कहता है जो जहाँ के बाशिंदे जहाँ रहते हैं जिस जमीन पे रहते हैं वहीं पे उनको घर दिया जाए। तो अब आगे ये मीटिंग को लेकर आपने इसमें ये मीटिंग में आश्वासन भी दिया कि आगे का आपका स्टेप क्या होगा, आपका नेक्स्ट कदम क्या है, अगला कदम क्या है आपका? देखिए साफ साफ है, अगर ये सर्वे रुकता है अच्छी बात है, नहीं रुका तो ये मान के चलिएगा कि एसआरए पे अगले हफ्ते में हम लोग एसआरए में जाके एसआरए सीओ जो महेंद्र कल्याणकर है उनके उनका घेराव डालेंगे और क्या उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि भाई इस तरीके के गलत लोग जो डेवलपर है उनको हटाया जाए। और उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं एसआरए या ये गवर्नमेंट अगर नहीं मानती है तो ये हम सब ने तय कर लिया है, यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है, संत ज्ञानेश्वर नगर ने कि लोगों ने ये कहते हैं ना, इन्होंने कह दिया है कि भाई हम गरीब लोग हैं, है ना, हम किसी से लड़ नहीं सकते, हम किसी को मार नहीं सकते। देखिए अभी अभी ये बहन ने, ये बच्ची ने कहा ना कि भाई कोई कहता है दो गुंडे आए, डेवलपर के दो गुंडे आके कहते हैं, चीफ प्रमोटर कहता है कि भाई वो घर आपको खाली करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। मगर ये जो बच्ची ने कहा है, क्या मैं बच्ची के मुंह से ये चीज सुनूं कि उसके बाद क्या वारदात हुई थी? सुन लो,
क्या ये जिस तरह से बता रहे हैं कि आपके साथ में कुछ गुंडे कुछ ऐसा आपको धमकाते हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? हमारे रोड पर आके ही बोला जा रहा था कि अगर आप लोगों ने घर नहीं दिया तो मारामारी होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि मारामारी क्यों होगी, बोले घर नहीं देंगे तो मारामारी ही करना पड़ेगा ना। इससे पहले कभी आपने उनको वहाँ एरिया में देखा था? कभी नहीं देखा था। ओके, न्यू फेसेस थे? हाँ, न्यू फेसेस थे। धमका रहे थे? धमका रहे थे। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद बताइए, आगे बताइए। हाँ, अब आप एक सोचने की बात है, ये बच्ची ने क्या कहा है ना, वो अगर इस तरीके से लोगों को डरा कर धमका कर जी। अगर लोगों को अगर सर्वे जबरदस्ती करवाने का कोई काम करेगा, घर खाली कराने का कोई काम करेगा, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये पूरी बस्ती आबादी जो है ना जी। ये रास्ते पे उतरेगी और सामूहिक आत्मदहन करेगी, और उनके साथ में महमूद देशमुख सबसे पहले आगे खड़ा रहेगा। तो मैं ये कहूंगा कि शिवसेना के शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे जी इसी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, जो इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तौर पे उन्होंने काम किया, मुख्यमंत्री रहे, लोगों ने काफी उनकी सराहना की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उद्धव जी से भी अपील करता हूं कि ये क्या हो रहा है आपके घर में, अगर इस तरीके से माहौल है तो फिर मतलब आप महाराष्ट्र के नेता कैसे बनोगे। तो मेरी अपील है कि वो इसमें दखल दे और इस मसले में दखल दे के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम उद्धव जी से करेंगे। अगर आगे चलकर अगर आपको भी धमकाया जाएगा, धमकी दी जाएगी आपको भी या ऑफर किया जाएगा कुछ, तो उसके लिए आपका क्या सोचना, क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। महमूद देशमुख को खरीदने वाला कोई माई कालाल इस देश में पैदा नहीं हुआ, सुन लीजिए, कोई माँ कालाल पैदा नहीं हुआ कि जो मुझे खरीद ले जी। ये दावे के साथ कहता हूं। और रही जिंदगी और मौत की बात कर रहे हो ना, तो मैं हक के ऊपर लड़ने वाली बात करता हूँ, हक और बातिल की लड़ाई की बात करता हूँ, है ना। हक के ऊपर लड़ते हुए अगर मुझे शहीद होना पड़े तो भी इन लोगों के लिए मैं शहादत पसंद करूंगा, लेकिन बिकने वाला नहीं। अगर किसी को कोशिश करनी है तो कर ले, एक जान है, अल्लाह लेगा या बंदा लेगा। थैंक यू। देखिए जिस तरह से यहाँ पर महमूद देशमुख जी ने अपने वही जज्बात और जोशी अंदाज में किस तरह से सारी तमाम बातों को हमारे चैनल के माध्यम से बताया और कहा, तो इसी तरह आगे की भी विचारधाराओं के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।